क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, कहाँ से आप? जिला कुशीनगर। कुशीनगर से जी। अयोध्या में एक मैटर हुआ था गोरखपुरिया भौजी और राधाराज के बीच में, आप उस मामले को जानती हैं? जी, उस मामले में मैं शामिल थी। और उसमें हम अपने चैनल को प्रमोट करवाने आए थे वहाँ पर, कि वहाँ विवाद हो गया था, लड़ाई मारपीट। कहाँ जगह, किस जगह मारपीट हुआ था? अयोध्या जी में हुआ था, ब्रज मोहन दास के इथी में हुआ था। गार्डन में? नहीं, ब्रज मोहन दास है ना, उनके मतलब जहाँ वो बैठते हैं उनके गद्दी है, वहाँ पर हुआ था मारपीट। अच्छा, मारपीट हुआ था? हाँ, मारपीट हुआ था। जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सफेद सलवार सब पहने, सफेद नहीं है वो, फीकी गुलाबी कलर है। वो आप ही हैं? जी। कैसे माना जाए कि आप ही हैं वो? उसमें जैसे जो कंपनी गार्डन है ना, उसमें वीडियो ब्लॉकिंग पड़ा है चंदा भाभी का और वहाँ पर राधा राज का, उसमें वो देख सकते हैं कि हाँ उसमें मैं हूँ। कौन से चैनल पर डाला था? कौन से चैनल पर वीडियो डाला हुआ? मैं अपने चैनल पर। अच्छा, अपने चैनल पर? हाँ, हमारा चैनल तो डिलीट किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वीडियो में जो थप्पड़ मारती हुई महिला है, वो आप ही हैं? जी। तो क्यों मार दिया था थप्पड़? थप्पड़ इसलिए मारे थे, वहाँ पर हम गए जैसे मारपीट शुरू हुआ, ऐसे हम वीडियो बनाने गए वहाँ पर, तो ऐसे जैसे हम मोबाइल निकाल कर अपना वीडियो बनाना शुरू किया, वैसे मैं क्या बोलते हैं, महादेव जी आकर बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। और महादेव? गोरखपुरिया भाजी का हस्बैंड। अच्छा, और बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं और मतलब बाजू में हाथ लगाकर पीछे झटकार देते हैं, पीछे हट जाते हैं हम। उसके बाद से फिर से दौड़ते आते हैं मेरे पास, मेरे पास आए तो हमको यही डर हो गया कि मेरे को मारने आ रहे हैं, मेरे को डर हो गया, इसलिए उसको हम थप्पड़ लगा दिए तरफ तोड़। मतलब आपने ही मारा? जी। मतलब कोई नाराजगी थी आपको? नाराजगी पहले थी उससे, मैंने उसके 5 महीने पहले उनके घर गए थे अपने चैनल को प्रमोट करवाने, और उसके बाद से फिर चले आए थे, प्रमोट की थी, नहीं है कि नहीं की थी? की थी। उसके बाद से फिर 3 महीने पहले गए तो मैंने बोला कि दीदी मेरा व्यूज नहीं आ रहा है, मेरे वीडियो नहीं चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा देखिए, तो क्या महादेव देखते हैं और बोलते हैं कि स्ट्राइक आया है तुम्हारे चैनल पे। हमने बोला कि हम तो नहीं जानते कैसा स्ट्राइक होता है, हम पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैंने बोला कि क्या होता है इसमें, तो बोलते हैं कि इस पर आ जाएगा स्ट्राइक तो तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाएगा, 2 आवर हो आ जाएंगे। तो मैंने बोला कि सोचा कि साल भर से मेहनत कर रहे हैं, ये पानी मिल जाएगा, फिर से 2 स्ट्राइक आ जाएंगे, तो इसको हटाना जरूरी है। इसको सुनिए आप, तो उसके बाद से ना उन्होंने हटा बोला थे कि ठीक है, तो मैंने वो फिर बोले थे कि पैसा इसमें लगेगा, तो मैंने बोला कैसे कितना लगेगा, बोले थे 3,000 रुपये लगेगा। मैंने बोला कि आप ज़्यादा बता रहे हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, बोल रहे हैं कि और दूसरों के साथ तो हम तो 5,000-10,000 लेते हैं, अभी तो तुम्हारा कम ही है। तो मैंने बोला कि अरे थोड़ा कम कर लीजिए, तो बोले कि नहीं 3,000 लगेगा। मैंने बोला कि चलो ठीक है, डिलीट ना हो मेरा चैनल, इतने मेहनत किए हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के पास फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि पैसा दे दीजिए क्योंकि मेरे चैनल के साथ ऐसा हुआ है, तो पैसे सोचे गर समझे वो पैसे तुरंत भेज देते हैं मेरे को, 3,000 रुपये उनको हम दे देते हैं, रिंकी देवी गूगल पे भेज देते हैं। एक बात बता दीजिए कि जो वीडियो वायरल हुआ था, मतलब ये नहीं कि 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल 10 साल पुराना की बात नहीं है, ऐसे वीडियो को दबाया जा रहा है। क्यों दबाया? इसलिए दबाया जा रहा है कि गोरखपुरिया भौजी का हस्बैंड है उसमें, और थप्पड़ खाते वो वही नजर आ रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी तो सबकी मदद करती है लोगों। अरे मदद कुछ नहीं करती है, करती है उन लोगों से पूछ लीजिए जो जिसके साथ वो मदद की है, उसके साथ वो लूटपाट की है कि नहीं की है। अच्छा। और वो आवाज उठाती है तो धमकियां ये मिलती है कि तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाएगा, तुम्हारे पे ये होगा वो होगा, इसके वजह से बहुत लोग ऐसे औरतें हैं बैठी हैं कि जो उनके वो आवाज नहीं उठाती हैं। आपका भी चैनल डिलीट हो गया? हमारा चैनल डिलीट हो गया 15 अगस्त का दिन। कौन सा चैनल का नाम था? आरती ऑफिशियल 52। अच्छा। दूसरा चैनल बनाए हैं आरती ऑफिशियल 52A। मतलब उसके बाद आपने बनाया है? फिर बनाए हैं चैनल, तो चैनल डिलीट कर दिया गया। और डिलीट किया जाता है, तो ऐसा किया गया? महादेव जी किए थे, फोन करते हैं बोलते हैं कि गोरखपुरिया भौजी से आकर माफी मांगो वरना अपना चैनल के बारे में सोच लेना, तो मैंने नहीं गई। उसके बाद 15 अगस्त के दिन है मेरे चैनल डिलीट किया जाते हैं, और मेरे चैनल क्यों डिलीट किया जाते हैं इसका जवाब देना पड़ेगा गोरखपुरिया भौजी को। मतलब गोरखपुरिया भौजी आपकी निगाह में गलत हो गई? मेरे गलत है हर चीज, मेरे साथ जितने मेरे साथ हुआ है सब चीज में मेरे को गलत दिख रही है। ऐसा नहीं कि गोरखपुरिया भौजी आपको धमकी देने लगे या? धमकी दे रहे का वो मरवा देगी अब। हाँ, इतने ही आप समझ लीजिए ना,
उसके सवाल उसके इसके पर जवाब उठाए हैं, सवाल उठाए हैं, वो मरवा भी सकती है। हाँ, मरवा भी सकती है। डर लगता है, डर लगता है इसलिए कि कोई उसको अच्छा नहीं बोलता है, कोई उसको अच्छा नहीं बोलता है, वो मरवा भी सकती है। मेरे चैनल मेरे फोन मोबाइल पे धमकियां दे जाती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो क्या नहीं कर सकती है।